राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू एनआर मेहंदी क्रिएशन। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मेहंदी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चार लाइनें खींचेंगे, जिसमें से जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उस पर हम पतली पतली हम्प बनाएंगे। हम्प का शेप पतला ही रहेगा, आप स्लोली बनाइएगा हम्प ताकि सुंदर हम्प बन सके। हम्प क्रिएट होने के बाद बीच की जो लाइनें हैं उसे हमें मेहंदी से फिल कर लेना है, थिक कर लेना है। ठीक होने के बाद जो लास्ट वाली पतली लाइन है उसके ऊपर भी हम्प बनाएंगे हम। जब हम्प क्रिएट हो जाएगा, हम्प क्रिएट होने के बाद जो सबसे ऊपर वाला हम्प है वहाँ पे हम छोटा छोटा सा डॉट्स रखेंगे। डॉट कंप्लीट होने के बाद हम फिंगर पे आ जाते हैं। मैं फिंगर एक आधे डिज़ाइन बना चुकी हूँ, मैं वीडियो पॉज कर दी थी, मुझे पता नहीं चला, इसलिए आप फिंगर का डिज़ाइन रिंग फिंगर पे देख लेना। सेम डिज़ाइन सारे फिंगर पे बन रहा है, तो आप रिंग फिंगर का भी डिज़ाइन देखेंगे तो भी आप सारे उंगल पे उसे रिपीट कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ रिंग फिंगर पे। सबसे पहले हमें थोड़ी सी मोटी लाइन ले लेनी है, फिर उसके बाद एक पतली लाइन ले लेनी है, उसके बाद हमें हम्प बनाना है। हम्प बनाने के बाद हमें मोटा वाला हम्प बनाना है। जब मोटा वाला हम्प बन जाएगा तो हमें उसे थोड़ा सा मोटा कर देना है, जैसे थोड़ा सा लाइन खींच के मोटा कर देना। उसके बाद एक पतली सी लाइन खींचनी है, उसके बाद फिर से हमें पतला वाला हम्प बनाना है, फिर डॉट डॉट रखना है। डॉट रखने के बाद फिर एक और लाइन खींचनी है, उसके बाद हमें पतला वाला हम्प बनाना है, फिर मोटा वाला हम्प बनाना है, फिर उसे थोड़ा सा थिक कर देना है, फिर उसके बाद एक और लाइन खींचनी है, उसके बाद हमें दो पतली पतली हम्प बनानी है, उसके बाद फिर से डॉट रखना है। ये डिज़ाइन सारे फिंगर में बहुत सुंदर लगेगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सेम डिज़ाइन को हम अपने थंब पे भी क्रिएट करेंगे। सेम प्रोसेस है, पहले पतली वाली हम्प बनेगी, फिर मोटी वाली, फिर एक और लाइन खींची जाएगी, फिर पतली वाली हम्प बनेगी, फिर डॉट आएगा, फिर उसके बाद एक और लाइन आएगी, उसके बाद मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट। फिंगर कंप्लीट होने के बाद हमें लाइनें खींचनी हैं। पांचों फिंगर के नीचे लाइनें आएंगी, पर किसी में नीचे से लाइन खींची जाएगी, किसी में ऊपर से लाइन खींची जाएगी। देखिए पांचों फिंगर के नीचे लाइन, किसी में ऊपर से लाइन खींचा गया, किसी में नीचे। जब लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी, जो पतली पतली हमने लाइनें खींची है वहाँ पर हमें पत्तियाँ बनानी हैं। पत्तियों बनाने का स्टाइल बहुत आसान है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा प्रेशर करके मेहंदी निकालना, उसके बाद हमें लास्ट पे आके थोड़ा ज़ोर से प्रेशर देके मेहंदी निकालना है, तो आपसे ऐसी पत्तियाँ बन जाएंगी। इस वाले डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद फिर हम यहाँ पे पत्तियाँ बनाएंगे। पहले थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, फिर ज़ोर से प्रेशर डाल के पत्तियाँ बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपका मन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे रोज़ आप मेरी वीडियो देख सकें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तब रोज़ रोज़ देख पाएंगे। पत्तियाँ कंप्लीट होने के बाद हमें डॉट डॉट रखनी है। सबसे पहली वाली डॉट मोटी रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, फिर छोटा 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 डॉट्स आएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस, जहाँ पर जगह खाली है सभी जगह यही प्रोसेस को रिपीट करना है। ये स्टाइलिश मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। शादियों का सीज़न आ रहा है नवंबर दिसंबर में, आप इसे ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि भर के हाथ लगाए तो ही सुंदर लगेगी, ऐसी स्टाइलिश मेहंदियाँ और भी सुंदर लगती है, हैंड इससे ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्ट में देखिए मेहंदी कितनी खूबसूरत लगेगी। लास्ट में मैंने फ़ोटो भी इसकी ऐड की हुई है। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you for watching.
राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू एनआर मेहंदी क्रिएशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो इस मेहंदी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दो लाइनें खींचनी है। दोनों लाइनों को हमें मोटा कर लेना है। मोटी लाइन के ऊपर फिर एक पतली सी लाइन खींचेंगे, फिर उसके ऊपर हम हम्प बनाएंगे। पतली पतली हमें हम्प बनानी है। हम क्रिएट होने के बाद हमें छोटा छोटा सा डॉट रखना है। देखिए डॉट भी कंप्लीट हो गया। फिर मोटी वाली लाइन के नीचे एक पतली सी लाइन खींचनी है। फिर हमें चार उंगल की जगह छोड़ के ऊपर भी दो लाइनों को खींच के उसे मोटा कर लेना है। फिर मोटी वाली लाइन के नीचे भी एक पतली सी लाइन खींचनी है। अब हमें क्रॉस में लाइनें खींचनी है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हमें दो लाइनें खींचनी है पतली पतली। पहले हम लेफ्ट 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 साइड से राइट साइड लेके जाएंगे, फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड दो पतली पतली लाइनें खींचेंगे। जब लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम उन दोनों पतली पतली लाइनों को थिक कर लेंगे, मेहंदी से फिल कर देंगे, उसे मोटा कर देंगे लाइनों को। जब लाइनें मोटी हो जाएंगी, मतलब चारों तरफ की लाइनें हमें मोटी कर लेनी है। जब लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी तो अभी देखना आप कितना सुंदर सा फ्लावर बन जाएगा। देखिए मैंने कहाँ कहाँ से लाइनें खींच रही हूँ, आपको भी सेम सेम जगह से लाइनें खींचनी है तो बहुत सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैं चार तरफ से लाइनें खींच रही हूँ, सेम सेम डिस्टेंस पे मैंने लाइनें खींची है। देखिए अभी देखना कितना सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। आप भी सोचेंगे अरे इतना आसानी से ये डिज़ाइन बन गया। अगर आप सिर्फ यही वाला फ्लावर से डिज़ाइन बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। हम फिर एक पतली सी लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर हम्प बनाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फिंगर पे। फिंगर पे हमें वैसे महल वाला डिज़ाइन क्रिएट करना है। पहले एक महल वाला बना लेना है, उसके बाद एक नीचे भी लाइन खींचनी है, फिर एक उसके ऊपर भी लाइन खींचनी है। लाइन कंप्लीट होने के बाद हमें पतली वाली हम्प बनानी है। जब पतली वाली हम्प कंप्लीट हो जाएगी तो हमें मोटी वाली हम्प बनानी है। जब मोटी वाली हम्प कंप्लीट हो जाएगी तो हम जो मोटी वाली हम्प है उसे थोड़ा सा थिक कर देंगे, मतलब उसको बराबर कर देंगे। एक लाइन खींचेंगे, फिर जो खाली स्पेस रहेगी उसे फिल कर देंगे मेहंदी से। फिर एक और पतली सी लाइन खींचेंगे ताकि इस मेहंदी डिज़ाइन को कोई क्षति ना पहुँचे। फिर हमें पतली पतली लाइनें खींच के वहाँ पर डॉट बना लेनी है फिंगर पर, तो फिंगर का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिंगर में फिर हमें कुछ नहीं करना रहेगा, सिर्फ फिंगर की उंगलियों को फिल करना रहेगा। देखिए कैसे कैसे डॉट मैं दे रही हूँ फिंगर पे। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम हथेली पे आ जाते हैं। हथेली पे हमें फूल बनाना है। पहले जलेबी वाली रिंग बनानी है, उसके बाद हमें ये वाला फूल बनाना है, उसके बाद ये कर्व शेप वाली डिज़ाइन बनानी है, उसके बाद पत्तियाँ बना लेनी है। फिर सेम डिज़ाइन हमें हथेली पे रिपीट करते जाना है। जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास खाली स्पेस है सेम डिज़ाइन बनेगी। ये नेगेटिव फिलिंग की डिज़ाइन है, इसको नेगेटिव फिलिंग कहते हैं। लास्ट में देखिएगा कितना सुंदर लगता है। पत्तियाँ बनाएंगे, कर्व शेप की डिज़ाइन बनाएंगे, पत्तियाँ बनाएंगे, बनाते जाएंगे। जितनी भी खाली स्पेस है यही चीज़ें डिज़ाइन बना के कंप्लीट करना है, उसे फिल करना है। बनाते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट अगर आपको अच्छा लगे वीडियो में कोई पार्ट तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हम जो भी डिज़ाइन बनाए हैं उसके आउटर लाइन को थिक करेंगे, ताकि जब हम फिलिंग करें खाली जगह को तो ये डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब ना हो। नेगेटिव फीलिंग ऐसी ही होती है, सबसे पहले जो भी हम डिज़ाइन बनाए हैं उससे उसके आउटर लाइन को हमें थिक करना होता है, तभी डिज़ाइन अच्छी लगती है। देखिए मैं कैसे उसके आउटर लाइन को थिक करती जा रही हूँ। सारे आउटर लाइनों को ऐसे ही मेंटेन कर लेंगे, थिक कर लेंगे मेहंदी से। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद जो भी बीच में खाली स्पेस है हमें उसे मेहंदी से फिल कर देना है।
ध्यान से फिल करिएगा, कहीं कहीं पे जगह छूट जाती है, दिखाई नहीं देता इसमें। कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये फिल हो चुका है पर वो फिल हुआ नहीं रहता है, तो आप ध्यान से फिल करिएगा। ये बहुत आसान डिज़ाइन है, सिर्फ फ्लावर बनाना है, खाली स्पेस को फिल करना है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा और आपके हाथों भी सुंदर लगेगा। फिर हमें उंगलियां फिल करने नहीं है, उंगलियां फिल करना तो सबको आता है, फिल कर लीजिएगा। लास्ट में देखिएगा डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। ये फाइनल लुक है मेहंदी की। सो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।